हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए लोकतंत्र रक्षक सेनानी, ये खड़े हमारे साथ अवधेश जी, राजा अयोध्या। पीडीएम मॉडल का प्रतीक बनाते बनाते जिस अवधेश प्रसाद को प्रतिष्ठा के प्रत्यय से महानता का पर्याय बना दिया था अखिलेश यादव ने, फैजाबाद में नई सियासी लकीर खींचने वाले जिस सांसद को संसद में आदर की अति पर बिठा दिया गया था समाजवादी पार्टी की चीफ की तरफ से, अखिलेश ने जिसे अयोध्या का राजा तक घोषित कर दिया था, अवधेश प्रसाद के जिस सुपुत्र को राजनीति में वंशवाद के समाजवादी वट वृक्ष तले नई छांव देने की तैयारी में अखिलेश हैं, वो सवालों के चक्रव्यूह में खड़े हैं। अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद पर नए अयोध्या कांड का आरोप लगा है और अखिलेश यादव मौन से हैं। पहले मोहित खान जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है, अवधेश प्रसाद का करीबी है, उस पर दुष्कर्म का आरोप लगा। समाजवादी पार्टी की बड़ी फजीहत अयोध्या में हुई और अब सवालों के घेरे में निशाने पर अवधेश प्रसाद के बेटे और समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर से विधानसभा उम्मीदवार अजीत प्रसाद आ गए हैं। सबसे पहले समझिए कि पूरा मामला क्या है, जिसकी वजह से अजीत प्रसाद चुनावी राजनीति में एंट्री से पहले ही विवादों में ऐसे घिरे हैं जिसका असर लखनऊ तक है। असल में ये पूरा मामला एक जमीन और उसके कमीशन से जुड़ा हुआ है। अजीत पर आरोप लगाने वाला रवि तिवारी प्रॉपर्टी डीलर है। रवि का आरोप है कि उसने एक जमीन की खरीद बिक्री करवाई थी, इसी को लेकर अजीत प्रसाद से उसका विवाद हुआ। रवि तिवारी ने एक जमीन की मध्यस्थता की थी और उस मध्यस्थता में उसे 1,00,000 रुपए दिए जाने थे। अजीत प्रसाद ने उसे एक चेक दिया था, चेक जब उसने कैश कराया 1,00,000 रुपए ले लिए, लेकिन बाद में अजीत प्रसाद उन 1,00,000 रुपए को अपना बताकर उससे लगातार मांग रहे थे, लेकिन चूंकि पैसा रवि तिवारी का था तो ऐसे में उसे पैसे, उसने कहा कि मैं अपने पैसे क्यों वापस करूं। विवाद लगातार ये बढ़ता गया और नौबत यहां तक आ गई कि 2 दिन पहले अजीत प्रसाद ने सरेआम रवि तिवारी को उठाया, जैसा कि रवि तिवारी का कहना है, और उसे अगवा करने की कोशिश की। रवि तिवारी ने जो थाने में शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक वो 21 सितंबर को स्टेट बैंक सिविल लाइन के पास खड़ा था। इस दौरान दोपहर करीब 2:45 पर कई गाड़ियों के काफिले के साथ अजीत प्रसाद वहां पहुंच गए। लोगों ने जबरदस्ती घसीटकर उसे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठने के बाद अजीत ने उसके सिर पर पिस्टल लगा दी। आरोपियों ने इसके बाद 1,00,000 रुपए का चेक लौटाने का वीडियो बना लिया। रवि तिवारी का आरोप है कि उसकी पिटाई करते हुए गाड़ी से रिकाबगंज की तरफ ले गए। कमोबेश उसी वक्त की एक सीसीटीवी तस्वीर दिखी है जिसमें अजीत का काफिला जाते हुए दिखाई दे रहा है। लिहाजा शिकायत मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुणदोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटना स्थल पर जा रहे हैं एवं वादी को साथ ले जा रहे हैं। आरोपों के चक्रव्यूह में घिरे अजीत प्रसाद खुद को बेकसूर बता रहे हैं। वो इसे बीजेपी की खाटी राजनीति की नई कड़ी करार दे रहे हैं। तब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने रवि तिवारी से बात करने की कोशिश की, जिसने अजीत प्रसाद पर संगीन आरोप लगाए हैं। हमारी टीम रवि तिवारी के घर तक पहुंची। जिस व्यक्ति ने अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद पर मुकदमा दर्ज कराया है उसके परिवार के लोगों के साथ में मौजूद हूँ। ये लोग डरे हुए हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। रवि तिवारी जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया है वो भी घर पर मौजूद नहीं है। माता जी, सांसद जी कह रहे हैं कि आपके बेटे ने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो गलत है, बीजेपी के लोग फंसा रहे हैं उनके बेटे को। आपको लगता है कि ये फंसाने का हिस्सा है, क्योंकि आपके तो बेटे ने बताया होगा जो मारपीट हुई है।
देखिए परिवार के लोग डरे हुए हैं तो कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। रवि तिवारी का परिवार फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन राजनीति बेहिसाब बोल रही है। जिस अयोध्या और अवधेश प्रसाद के जरिए अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार प्रहार कर रहे थे, वो अब फिर से विवादों के केंद्र में खड़े हैं, तो बीजेपी आक्रामक है। योगी के मंत्री अखिलेश यादव को लक्षित कर शब्द बाणों की बौछार कर रहे हैं। जनता ने इस अयोध्या से कैसे गलत लोगों को चुन करके भेजा है कि उनके पुत्र इस तरीके की हरकतों में संलग्न है, उनके सहयोगी महिलाओं के साथ दुराचार, बालिकाओं के साथ दुराचार में संलग्न है। जैसे ही बीजेपी आक्रामक हुई, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं की पूरी फौज उतर आई अवधेश प्रसाद एंड फैमिली के बचाव में। सबसे पहले खुद फैजाबाद के सांसद ने सफाई दी, बेटे को बेदाग बताते हुए बीजेपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। ये जो कहानी है सब मनगढ़ंत है, गाड़ी पे हमारा लड़का है और चुनाव में प्रचार में लगा है तो गाड़ी तो जाबे करेगा भैया, ठीक है का तांगब जाएगा, बिल्कुल सही है तांगब जाएगा का, तो इसलिए पुलिस पूरी तरह से दबाव में काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में काम कर रही है। पुलिस को भी जानकारी है कि मामला पूरी तरह फर्जी है, किसी तरह का इसमें सत्यता नहीं है। ये मामला सिर्फ इसलिए सियासी नहीं है क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे का मसला है, इसलिए भी है क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, अयोध्या के मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होने वाले हैं। यहां से पहले अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, लिहाजा अखिलेश यादव इस बार उनके बेटे यानी अजीत प्रसाद को टिकट देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अजीत के भविष्य की जीत से बीजेपी के थिंक टैंक का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जिसको माननीय अखिलेश जी ने सर्वसम्मत से मुल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है, हजारों कार्यकर्ताओं के राय मशविरा से सर्वसम्मत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान सबने मन बना लिया है। मुकदमा फर्जी प्रत्याशी पे लिख सकते हैं, कुछ नेताओं पर लिख सकते हैं, उनको जेल भेज सकते हैं, लेकिन जो सम्मानित मतदाता हैं उनको कैसे जेल भेजोगे, असली इलाज वही करेंगे। समाजवादी पार्टी की इस आक्रामकता के जवाब में बीजेपी समाजवादी पार्टी के कथित गुंडागर्दी की पूरी लिस्ट लेकर बैठी हुई है। आरोप है कि इसी अयोध्या में अवधेश प्रसाद के ही लेफ्टिनेंट मोइद खान पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा। नाबालिग से रेप के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान जेल में बंद है। आरोपियों की कॉल डिटेल और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ अयोध्या की पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। मोहित खान के बचाव को लेकर भी अवधेश प्रसाद या कहिए कि पूरी समाजवादी पार्टी सवालों में रही। इस बीच फैजाबाद से करीब 300 किलोमीटर दूर कन्नौज में एक और शख्स कमोबेश ऐसे ही आरोप में घिरा, जो कभी अखिलेश और डिंपल का करीबी हुआ करता था। नवाब सिंह यादव भी नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर 16 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। अब उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी है। इन तमाम नेताओं का जिक्र कर योगी आदित्यनाथ अक्सर समाजवादी पार्टी पर चोट करते रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुईन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोही में भी इनका एक विधायक, भदोही का कारनामा भी इनका देखिए, हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया। हालांकि अखिलेश यादव या कहिए कि पूरी समाजवादी पार्टी योगी सरकार की निष्ठा पर ही सवाल उठा रही है, जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है, पीडीए को इरादतन फंसाने का आरोप लगा रही है,
ऐसे में अब जब अवधेश प्रसाद के पुत्र ही सवालों में हैं, तो बीजेपी कहीं और ज्यादा आक्रामक है। पहले रोनाही थाने के पास भी किसी पासी की जमीन वो कब्जा करने के लिए गए थे, जहां महिलाओं ने उनको वहां से दौड़ाया था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जमीन के कब्जे का धंधा उन्होंने काफ़ी तेजी से किया था। तो ये संभव है कि इस मामले में जब अभी लोकसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद जीते हैं तो उनका मनोबल काफ़ी इस मामले में बढ़ा है और फिर से वो जो खुराफात करते थे वो खुराफातें कर रहे हैं। जाहिर है कि उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी को नया सियासी हथियार मिल चुका है और इसी के जरिए वो न सिर्फ अजीत प्रसाद और अवधेश प्रसाद बल्कि सीधे अखिलेश यादव को टारगेट कर रही है। बीजेपी उस जड़ पर चोट कर रही है जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में अयोध्या वाला दर्द मिला था। दूसरी ओर सांसद के बेटे और भविष्य के विधायक कैंडिडेट पर संगीन आरोप से समाजवादी पार्टी बुरी तरह घिरी हुई है और इसने अयोध्या या कहिए कि यूपी की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।